श्रृंगार रस, इट कन्वेज द मैसेज ऑफ लव, लव विच हैज मेनी फैसेट्स एंड विच कैन नॉट बी कंस्ट्रेंड टू वन एस्पेक्ट ओनली. इट इज वाइड इन इट्स सेंस. एट टाइम्स इट इज अ पैशन बिटवीन बिलवड वंस. समवेयर इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड अ चाइल्ड. एंड अबव ऑल the love of God for humanity. And let's not forget one's love for his motherland. Here we are depicting one of the aspects of love in the divine relationship of Radha and Krishna. अभी आपने प्रेम का एक रूप देखा. प्रेम केवल यही तक सीमित नहीं है, इसके विविध रूप हैं. चलिए इसे एक दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं, जहां ईश्वर स्वयं मानव बनकर अपने श्रृंगारिक सृष्टि को नवनिर्मित करने इस धरा पर आए. इस मिलन को हम प्रभु येसु के जन्म के इस दृश्य द्वारा दर्शा रहे हैं.
आइए अब हम प्रेम के एक और पहलू पर प्रकाश डालें। यहाँ पर एक सैनिक सारे मोह पाश प्रेम बंधन आदि को त्याग कर देश प्रेम की ओर खींचा चला जा रहा है। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया। हाय, प्रेम की ये कैसे विडंबना, कहीं संयोग तो कहीं वियोग। यहाँ देश प्रेमी देश प्रेम से सराबोर होकर देश को अपना सर्वस्व दे चुका है, और यही प्रेम इस प्रेमी को सारे प्रेम बंधनों से दूर अपनी ओर खींचे चला जा रहा है। प्रेम का यह दृश्य श्रृंगार रस के वियोग पक्ष को दर्शाते हुए संयोग में विलीन हो रहा है। हास्य रस अर्थात मंद मंद मुस्कुराना, ठहाके सी हंसी, ऐसी हंसी जो मन को गुदगुदाए। हंसी के कुछ पल चाहे कुछ समय के लिए ही सही, हमको गम से कोसों दूर रखते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, लाफ्टर इज अ गुड मेडिसिन फॉर एवरीवन, इट कॉस्ट नथिंग बट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स। तो चलिए इन व्यस्त पलों को भूलकर हम आपको ले चलते हैं बॉलीवुड की दुनिया में। अरे क्या है, जाने दे बाद में पूछूंगा। हाँ, अरे बोल। अरे अरे वो, अरे सुन, तूने बताया नहीं कितने आदमी थे। किधर रे? अरे कल तुम तीनों कहीं गए थे ना, शाम को तुम्हारे घोड़े भी नहीं थे। रामगढ़ वामगढ़ कहाँ गए थे ना, क्या हुआ, वहाँ क्या करके आए? कुछ शाबाशी दूं या काली हाथ लौटे? कुछ बताओगे या डाकू की बदलू में, क्या हुआ? ए गब्बर, एक बात सुन है? अरे एक तो वहां से हम थके हारे जान बचाकर लौटे हैं, और तू यहाँ पे चिक चिक लगाए पड़ा है। अरे खुद तो कहीं आता जाता है नहीं, और कहता रहता है यहाँ चले जाओ, वो वहां चले जाओ। अरे तेरा क्या है, है? फेस तो हमें करना पड़ता है ना, तू तो बस यही पूछता रहता है कितने आदमी थे, कितने आदमी थे? दो आदमी थे, और दोनों मामूली आदमी नहीं थे। एक तो था सनी देओल का बाप, और दूसरा एबीसीएल का चेयरमैन। देख अब मुंह मत खुलवा, नहीं तो गिरोह के सामने पोल खोल दूंगा तेरी। अरे भाइयों, अब तुम बताओ क्या करें,
मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ये बंदूकें अब चलती नहीं है, जंग लग गई है इनमें। कोई अच्छी सी बंदूक दिलवा दो, जैसे वो AK-47 वगैरह। तो पता है क्या बोलता है? अरे इस बुड्ढे की सोच देखो, कहता है गुलेल से काम चला लो। मैंने कहा कोई अच्छी सी जीप दिला दो, तो कहता है 511 नंबर वाली बस सीधे रामगढ़ी तो जाती है। अब तुम ही बताओ क्या करें, ऐसी बातें करता है ये, खुद तो कुछ करता धरता नहीं है। जब देखो ऊपर चढ़कर तंबाकू खाता रहता है, और पूछो तो कहता है ऊंचे लोग ऊंची पसंद। अरे कालिया इतना लंबा मत बोल रहे, अरे सांबा चल तू बता कितना इनाम रखे है सरकार हम पर। दो कौड़ी इनाम नहीं रखे हैं सरकार तुम पर, सब पता है हमके। तुम गांव-गांव खुद ही जाते हो और अपना पोस्टर खुद चिपकाते हो और उसके नीचे वांटेड भी लिखाते हो। 50 से तुमने ये नौटंकी शुरू की थी और हर साल जा जाकर 1-0 बढ़ाते हो और अब जाकर 50,000 पर तुम्हारी ये नौटंकी पहुंची है।